कथित धांधली के बाद आज संपूर्ण भारत में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन का अपना विरोध दर्ज करवाया है। राजस्थान राजधानी जयपुर में भी कलेक्ट्रेट सर्कल पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस जन इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। आपको याद होगा पिछली गहलोत सरकार में पेपर लीक मामले में कुछ समय के शिक्षा मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ एक नारा चला था कि रीट का पेपर कहां मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में। उसी तर्ज पर आज कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ममता भूपेश ने मंच से पीएम मोदी के खिलाफ नारा दिया कि नीट का पेपर कहां मिलेगा, मोदी तेरे बाड़े में। पूर्व सीएम अशोक गहलोत हालांकि प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ट्वीट के माध्यम से केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आखिर सबूत मिलने के बाद भी पेपर रद्द क्यों नहीं किया गया। नीट का क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि नीट में बहुत बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है और सुप्रीम कोर्ट भी इशारा कर चुका है। बिहार इन्हीं के अलायंस की सरकार है, एनडीए अलायंस की, वहां के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पेपर आउट हो गया और उसके बावजूद 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनको मजबूर करेंगे, इनको नीट का परीक्षा निरस्त करानी पड़ेगी और इनको बच्चों को न्याय देना ही पड़ेगा। तब तक न्याय नहीं देंगे तब तक हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे। प्रेस मार्क्स देखकर इन्होंने ये मान लिया कि इन्होंने गलती की है। धर्मेंद्र प्रधान ने 10 बार बयान बदल लिए, तो घोटाले के लिए नीट में जो घोटाला हुआ है वो बच्चों के भविष्य का सवाल है, उसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और केंद्र सरकार ने जैसी शपथ ली सब सच्चाई सामने आ गई कि वही सरकार है जो अडानी का घोटाला करती है, जो राफेल का घोटाला करती है। तो पेपर लगातार लीक हो रहे हैं और पेपर लीक करने के लिए बीजेपी की सरकार और बीजेपी के नेता जिम्मेदार।